बाबा ने पी डाली भांग, दुनिया गिरने लगी। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत गिड़िया स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में इस रिमझिम बारिश के साथ। चलिए जी, एक और नए दिन की भी शुरुआत हो गई है और आज है दोस्तों श्रावण माह का पहला सोमवार। आप सभी को श्रावण माह के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाइयां। दुआ करता हूं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और मैं भी लग गया हूँ रास्ता अपने दुकान की तरफ। और सबसे पहले तो वीडियो अपलोड करते हैं। कल शाम से लगातार कंटिन्यू बारिश है और ऊपर ऊपर जो है वो कोहरा से पूरा ढका हुआ है। चलिए जी, पहुंचा मैं अभी दुकान में और पहले दुकान खोलते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे सामने वाले मोड़ पे यहाँ वीडियो अपलोड करने के लिए। बारिश भी हो ही रही है। हो गया है दोस्तों मेरा भी इस मोड़ का काम। वीडियो मेरी अपलोड होगी है जो कि आ जाएगी 8 बजे तक। और अब चलता हूँ दुकान की तरफ। बारिश तो हो ही रही है अभी भी हल्की फुल्की वाली। टाइम भी दोस्तों 8 बज गए हैं। मेरा भी दुकान का काम हो गया है तो अब मैं भी जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। तो चलें नीचे घर की तरफ पहले, फिर जाएंगे फैमिली के साथ। चलिए जी, पहुंचा मैं भी घर पे अभी और यहाँ पे मंदिर जाने की तैयारी तो चली रही है। मम्मी तैयार, गुन्नू तैयार और श्रीमती जी पहली बार साड़ी में इस ब्लॉग में। चलिए जी, मम्मी और गुन्नू तो पहले से ही रास्ते लग गए हैं। श्रीमती जी की साड़ी ही नहीं संभाल ली है कितने दिनों बाद। चलो फिर मंदिर की तरफ। अब कल्याणेश्वर मंदिर जहाँ पेड़ लगाए थे ना, वहाँ जल चढ़ाने के लिए सारी परिवार हमारी। गुन्नू आ गए मम्मी की गोद में। आजकल पैदल कम चल रही है गुन्नू भी है। हाँ पप्पा। और रास्ते में ना यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ और शायद ये धस गई ऊपर वाली जमीन, इसकी वजह से खड्डे में चलेगी गाड़ी। जय 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 हो लो। बाप रे, यहाँ चलेगी नीचे खड्डे में। बड़ा बड़ा हादसा होने से रुका टला। और ये गाड़ी गलत जगह लगी थी वाली गाड़ी। बाप रे, इस साइड ये यहाँ रास्ते में ऐसा हो रहा है और ऊपर साइड वो मिट्टी धस गई शायद, इसकी वजह से बस चलेगी नाली में उधर। और नुकसान कुछ नहीं, सब कुशल मंगल है और सवारी सब रोड में आ गए हैं। और गुन्नू और मैं भी मंदिर की तरफ आ गए। गुन्नू का ना ये पहला श्रावण का सोमवार है और आज पहली बार श्रावण के सोमवार में मंदिर भी जा रही है। वैसे तो दूसरा है पर लेकिन तब गुन्नू छोटी थी तो तब नहीं गई थी। और आज तो काफी भीड़ लगी है, पहली बार मंदिर में इतनी भीड़ देखने को मिली है। जय हो, जय कल्याणेश्वर, जय शिव शंकर भोलेनाथ। ये रॉकी हमारा पहले से ही पहुंचा इधर। बाबरे, नमो नमः। और कल्याणेश्वर मंदिर के पुजारी श्रीमान पुरंदर जोशी जी, खुशबू भी आई है। खुशबू राघव मीनू और अंदर पानी चढ़ाने में। और ना पानी जो ले आते हैं नीचे कनलगढ़ नदी से और यहीं का पानी हम इधर मंदिर में चढ़ाते हैं शिव शंकर भोलेनाथ जी के। चलिए जी, हम भी चलते हैं नदी में पानी भरने के लिए। और रास्ता ना नया वाला यहाँ से बनाया है ऐसे घूमते हुए नीचे की तरह मंदिर में। श्रीमती जी और मैं दोनों जा रहे हैं नदी में पानी लेने के लिए, फिर चढ़ाएंगे वहाँ मंदिर। अब तो रास्ता भी बन गया है और पहले से
बहुत अच्छा बन चुका है यहाँ। यहाँ से ले आते हैं दोस्तों पानी है, और यहीं पे चंदन पीठा सब यहीं पे रखा है, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती यहीं पे जला रहे हैं। ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय नमः, शिव शंकर भोलेनाथ जी नमः, हर हर गंगे घर घर गंगे, हर हर गंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पानी लेके वापस मंदिर की तरफ, और मंदिर में कुछ इस तरीके की भीड़ लगी है। हमारे हीरा ताई जी भी आए हैं आज मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए, बचली अम्मा भी इसलिए महेश। मंदिर में पानी चढ़ाने के बाद अभी चले हैं कीर्तन भजन, जो कि काफी अच्छे खूबसूरत है। बाबा ने पी डाली माँ, दुनिया गिरने लगी। जय माता गौरा की, जय नंदी महाराज की, जय भैरव देवता की, जय छत्तीस कोटि देवी देवताओं की, जय महादेव। दिल्ली वाले ताई जी और भाभी जी, मेरे फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म होने वाली है, और कल शाम से फिर से लाइट नहीं है, चार्ज नहीं है फ़ोन। तो फिर चलें घर की तरफ, और यहाँ देख के ना काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया ना। शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा है जो कि हम लोग इतना इकट्ठा हुए हैं उनके आज दरबार में। आज ना यहाँ पूरा गाड़ियों की लाइन लगी है, क्योंकि सोमवार था तो सब बागेश्वर का काम और मंदिर में पानी चढ़ाने, क्योंकि यहाँ से जो मोस्टली लोग होते हैं ना वो बागनाथ मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे नीचे वाले गांव के लोग यहीं शिवालय में कल्याणेश्वर में चढ़ाते हैं पानी। और आगे ना बस वो नाली में चलेगी है, इसकी वजह से पूरा जाम लग गया है यहाँ तक, और लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है। और ना मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसकी वजह से वहाँ से ऊपर आते वक्त रिकॉर्ड नहीं हो पाया उतना। तो हमारे इस कल्याणेश्वर मंदिर में इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा भीड़ जो ना बागनाथ में दिखती है, बागेश्वर बागनाथ में। और यहाँ से भी बहुत सारे लोग जल चढ़ाने के लिए बागेश्वर बागनाथ में जाते हैं, और वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है और वो नंबर नहीं आता है। तो इसलिए हम सारे गांव वालों ने डिसाइड किया कि हम अपने पास के मंदिर में ही जल चढ़ाएंगे। और बात भी सही है, क्योंकि जो जो शिव बागेश्वर बागनाथ में है, केदारनाथ बद्रीनाथ में है, वही शिव यहाँ भी हैं हमारे कल्याणेश्वर मंदिर में, तो वही सेम महिमा सेम चीज़ें हैं। तो इसलिए इस वाले मंदिर में इस साल काफ़ी अच्छी भीड़ लगी, और मेरे को भी जाके ना अच्छा लगा, सचमुच बहुत अच्छा। तो फिलहाल अब खाना ना खा लिया है, और चलता हूँ फिर मैं भी अपने दुकान की तरफ। इसी दुकान में भी सुनसानी है, और मैं भी पहुँच गया हूँ फिर दुकान में। टाइम दोस्तों 5 बजने वाले हैं अभी, और मेरा भी फिर चैलेंज का आज 13वां दिन है। तो बढ़ते हैं सीधे मालूकेत पहुंचते हैं। हम सफर तू जाने जाना। आज आप पहुंच गए हैं दोस्तों डे नंबर 13 चैलेंज का, और मैं भी करता हूं फिर अपना टास्क कंप्लीट। तो देखते हैं कितने राउंड मार लगाते हैं आज। मिनी स्टेडियम मालूकेत, और इधर तो खो खो चला हुआ है। कृष्णा बाबू भी यहीं पे हैं, आज तो जूते पहन के आए हैं कृष्णा बाबू। राजा बाबू ये भी रिलैक्स में, पंको चलिए जी, हो रही है तैयारी मेरी भी अब रनिंग की, और सबसे पहले रनिंग, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, बॉडी स्ट्रेचिंग फिर करेंगे, तब तक बॉडी गर्म हो जाती है ना इसलिए।
डे नंबर 13 आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा दौड़ने का, लेकिन क्या करे, चैलेंज जो है लिया है ना उसको कंप्लीट करना है। ऐसे ही बहुत सारे दिन होते हैं जब दौड़ने का मन नहीं करता। ओह लेट्स से हाँ ये यार नहीं उठा जा रहा अभी भी, आज डे नंबर 13 में भी चले जी दौड़ा जाए। सेकेंड राउंड स्टार्ट। चलो एक दो तीन आज का लास्ट राउंड छठा राउंड। रनिंग कंप्लीट, कल जैसे कि 7 राउंड मारे थे आज 6 में ही अटक गए। पोटेंशियल है कि 1 राउंड और मार सकते बट हाँ थोड़ा सा वीकनेस लगती और बॉडी तो ऐसे हीट होगी ना जैसे कि आग जला के ना तवा जो रखते हैं लाल हो जाता है, ऐसे ही भाप निकल रहा बॉडी से। तो एक्सरसाइज तो कंप्लीट करनी पड़ेगी वरना जो है ना लेग पेन बॉडी पेन ये रहेगा। आज फाइनली दोस्तों 13वें दिन में देखता कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये स्टेप पूरा था या नहीं था। थोड़ी पावर है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, करीब करीब हो रहा डन। लकी पत्थर में हो जाएगा ये, कितने दिन तक ना कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और थोड़ा बहुत हो रहा लेकिन राजा बाबू पूरा कर लेता है। देखो ये उड़े आता है भैया। चले जी आज की रनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट, अब जाते हैं नीचे वाले फील्ड में देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। शॉर्ट रनिंग कंप्लीट, कौन निकलता है पहले, रोलेक्स बिना सबसे आगे, ये बीच बीच से दौड़ रहे हैं। आज मैं जल्दी थक गया यार, एक तो सर पे लग गया, हाँ उछल के हेड ले रहा था, एक ने नीचे से मार दी, और इधर तो मैच चला ही हुआ है, एक तो ये लंगड़ी पतंग खेलने की थी। फील्ड भी खाली हो गया है और मेरे भी एक्सरसाइज कंप्लीट, तो अब घर की तरफ यानी दुकान की तरफ। चलिए जी टाइम अब 8:30 का होने वाला है और बाहर भी टोटली अंधेरा हो गया है पूरा, तो अब मैं भी चलता हूँ घर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से था आज का दिन और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।